अस्सलाम वालेकुम गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, हाजिर एक न्यू ब्लॉग के साथ। सो गाइस, पापा ने बहुत बड़ा कांड कर दिया मेरे साथ ही। और करा क्या है गाइस, मुझे बिन बताया पापा ने कबूतर निकाल के ले गए। गाइस मुझे खुद भी नहीं पता वो कब और कैसे लेके गए और कितने कबूतर लेके गए, कौन कौन से लेके गए। गाइस मेरे दिमाग से ही निकल गया कि कौन कौन से लेके गए, वो तो जब आएंगे वो उन्हीं से पता चलेगा कि कौन कौन से ले गए। गाइस मैं सो रहा था, मुझे खुद भी नहीं पता। और गाइस सुबह के टाइम ना कोहरा बहुत था, तो मेरी 7:30 बजे आँख खुली थी, तो मैंने पापा को याद दिलाया कि पापा आज तो तुम कबूतर लेके जाने वाले थे। तो पापा ने कहा हाँ, तो पापा कह रहे थे कि मैं उठा दूंगा जब मैं जाऊंगा, मगर पापा ने इसलिए नहीं उठाया होगा क्योंकि फिर मैं रोकता कबूतर, कहता कि ये मत लेके जाओ, वो ले जाओ, ये मत लेके जाओ। तो पापा ने बिना बताए मुझे क्या बोलते कबूतर ले गए चुपचाप एकदम। और कबूतर किस में लेके गए, वो वाला एक छोटा वाला, वो नहीं था लकड़ी वाला जिसमें कबूतर रखता था, मैं यहाँ रखा हुआ था। गाइस मैंने सेटिंग भी कर दी, मैं बताना भूल गया आपको, ये देखो मैंने सेटिंग कर दी। अब पूछो गाइस क्यों करी है, आपको कुछ नज़र आ रहा होगा क्यों करिए, ये आपको कितना क्लीन क्लीन दिख रहा होगा, यहाँ की साइड एकदम साफ़ सुथरा और यहाँ की साइड एकदम फ्रंट में लगाया इसलिए क्योंकि इस साइड मुँह था ना, तो कहीं धूप में इतनी प्रॉब्लम होती थी, कबूतर ऐट के ठंड में ठुठर रहे थे और बेचारे पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कि हमारी देखभाल ही तक नहीं कर मिल रही इनको। तो गाइस मैंने सामने फ्रंट कर दिया ताकि इनको धूप प्रॉपर लगे और ये धूप में ना यंग वो रहेंगे, मतलब कि एनर्जी रहेगी इनके अंदर, तो ठंड में ठुठरेंगे नहीं ये और ना बीमार पड़ेंगे। तो मैंने उस साइड मूव कर दिया इनका और इधर से हटा दिया, तो ये इनका सही कर दिया है। और मैंने जोड़े वाले बना दिए दोबारा से, जो कि मैंने जोड़े वाले उधर कर दिए थे ना, वापस से मैंने इधर डाल दिए हैं क्योंकि देखो गाइस मैंने आपको बता ही दी थी कल कंडीशन, सारी सच्चाई मैंने कल बता दी थी आपको जो मेरे साथ चल रहा है लाइफ में, तो इसकी वजह से मुझे करना पड़ा। और कुछ कबूतर बचे ही, देखो अभी मैं अंदर भी दिखा देता हूँ कौन कौन से बचे हैं, उनको निकाल के दिखाता हूँ। देखो अभी कुछ कबूतर ये बचे हैं, अभी प्रॉपर दिखाता हूँ, उनको सब बाहर आ जाए एक बार, ये आ चुके हैं सारे बाहर। अरे नीचे आ जाओ, अरे यार एक कबूतर नहीं, एक ये बच्चा है गाइस, ठीक है एक एक करके दिखाता हूँ। एक ये बच्चा है चोटियल, एक काला बच्चा है, दो ये बच्चे हैं, एक ये लक्का, ये ठीक है गाइस, ये कुछ कबूतर बच्चे, कितने बच्चे गिन के बताता हूँ भैया आपको। इधर चल सामने आ, पहले तू सामने आ, सामने जल्दी, एक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 टोटली 13 कबूतर बचे हैं। और पापा 13 ही 14 कबूतर लेके भी गए, मुझे लगता है ऐसा क्योंकि उसमें भी जोड़े वालों में कबूतरी गायब हैं, जो गंडेदार कबूतरी थे मैं कह रहा था बेकुमान को, तो वो कबूतरी भी पापा ले गए हैं और इसमें से भी कबूतर निकाल के ले गए गाइस, तो काफ़ी ज़्यादा कबूतर कम हो गए। देखो काला भी नहीं दिख रहा, हमारा काला कबूतर था ना इसके अंदर, एक काला कबूतर भी नहीं दिख रहा गाइस, तो पापा उसको भी शायद ले गए। पूछूँ मैं, देखूँ मैं कौन कौन से ले गए, तो आप लोगों को कल की वीडियो में बताऊँगा कि कौन कौन लेके गए कबूतर, किस कौन कौन से ले गए, मुझे खुद भी नहीं पता, याद भी नहीं है। तो गाइस पापा ने धोखा कर दिया मेरे साथ, चुपके से ले गए और जो कि मैं रोकने वाला था वो कबूतर भी ले गए वो। तो इसमें से तो जोड़े वाले हैं, हाँ इसमें सारे जोड़े वाले तो हैं फिलहाल, इतना कोई खौफ की बात नहीं है, इसमें तो हैं जोड़े वाले, देखो सारे जोड़े वाले हैं। देखो गाइस धूप कितनी बढ़िया आ रही है ना, क्लियर धूप आ रही है अंदर, मुझे इस चीज़ की खुशी हो रही है। चलो अंदर धूप आ रही है तो कबूतर भी अब एग्जैक्ट होंगे आराम से और टेंशन फ्री हो जाएंगे ये लोग भी। और कुछ कबूतर ये हैं जो कि उड़ने वाले हैं, कुछ कबूतर देखो मैंने जोड़े में जो डाले वो दिखाता हूँ आप लोगों को, मैंने कौन कौन से डाल दिए फिर से जोड़े में, ये देखो निकलना नहीं कोई भी। एक तो मैंने ये डाला है जोगिन कबूतरी, डाल दी जोगी के साथ काली जोगिन कबूतरी, एक कबूतरी और कबूतर ये डाल दिया मैंने जो फिर जो डले हुए थे पहले भी, फिर से डाल दिए मैंने इन्हीं में ही, ठीक है। और दिखाता हूँ, दो ये डाले हैं हरा और ये कबूतरी, दो ये कबूतर हैं काला जो पर्दा परकड़ा था काला था बुंडा सा, और वो चीनी सी कबूतरी थी भूरी सी, वो कबूतरी डाल दिए, ठीक है। और दिखाता हूँ आप लोगों को, एक जोड़ा और है बस, एक जोड़ा ये है चोटियल और ये चोटियल मादिन बस, ठीक है। कुछ कबूतर है ये जो कि मैंने अपनी चॉइस से बनाए खुद ब खुद, कोच तेरी की छुपकली, और कल ही एक मारी है फिर से निकला, डर गया मैं तो गाइस बहुत बुरी तरह से देख के, क्योंकि मुझे आप लोगों को सबको पता है छिपकली डर लगता है भाई, लगता है तो लगता है, किसी को चूहे से लगता है किसी को छिपकली से लगता है, मुझे तो छिपकली से चूहे से दोनों से लगता है। तो गाइस ये देखो कुछ कबूतर ये रह गए, ये देखो दो ये रहते हैं पीली मादिन, एक ये नर, काला भी छोड़ दिया पापा ने, पुरानी नस्लें छोड़ देंगे बाकी सब ले गए।
ये भी छोड़ दिया, एक दो तीन चार पाँच, सिर्फ पांच कबूतर बचे इसमें। तो गाइस मैंने आपको दिखा दिया, आप लोग समझ ही गए होंगे कौन कौन से गाय, मुझे तो इतने याद भी नहीं आ रहा क्योंकि अभी मैंने वीडियो स्टार्ट ही की थी और मुझे खुद भी नहीं पता। तो आप लोग तो शायद जान ही गए हो, मेरी वीडियो जो रेगुलर देखते हैं ना उन सबको पता होगा कौन कौन से कबूतर गाय हैं। अब उसमें एक भी कबूतर नहीं है गाइस, यही कुछ कबूतर हैं जो कि मैंने जोड़े दिखाए, कुछ जोड़े वो दिखाए, बाकी सिंगल कबूतर दिखा दिए पार्टीशन में जो है, और बाकी कुछ ये कबूतर बचे हैं जो कि उड़ने वाले कबूतर माने जाते हैं और जो कि मैं इनको उड़ाऊँगा। लड़ाने का तो भूल जाना गाइस, चूँकि लड़ाने का तो अब काबिल है नहीं ये, क्योंकि ये खुद मरगिल्ले और रखे ठंड के चक्कर में। अब सिर्फ इन लोगों के बच्चे लूँगा, बच्चे लेके इंशाल्लाह वही इनको खट्टे करके, जो किसी के आपको मैंने बताया था एक चीज़ कि पट्ठे जो होते हैं घर के वो काफ़ी मजबूत और बढ़िया उड़ते हैं, तो मैं इनके पट्ठे ही लूँगा और आप लोग को भी मैं गिफ्ट करूँगा जो मेरे पुराने जो रहेंगे व्यूवर्स। तो गाइस याद रखना आप लोग, ठीक है। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, कमेंट कर देना ध्यान से। चलो गाइस।